मेरा सवाल यह है कि जैसे अजान देते हैं असद मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे बोलते हैं ना, जी तो बहुत लोगों को सुना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हुए, तो मतलब ये कहाँ तक सही है? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब मुअज्जिन अजान दे तो मुअज्जिन जैसे जैसे बोले हमको क्यों वैसे बोल वैसे रहे? बोलना है। जब मुअज्जिन अल्लाह अकबर कहेगा तो हमें अल्लाह अकबर कहना है, जब मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा तो हमें वही कहना है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहेगा तो हमें वही कहना है, हमको अलग से दरूद नहीं भेजना है। जब हमको ये कहा गया कि जब मुअज्जिन जिस तरह से कहे उसी तरह से हमको रिपीट करना है तो हमको उसी तरह से रिपीट करना है। अलबत्ता जी जब मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह से फारिग हो जाए तो यहां पे एक सुन्नत है जो कई दफा या बहुत सारे बेशतर लोग उस सुन्नत को छोड़ते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं शायद ना जानने की वजह से। वो सुन्नत ये है कि जब मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह से फारिग हो जाए तो हम उस इसका जवाब देने के बाद साथ में ये भी कहें कि रदी तो बिल्लाही रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला, तो ये भी सुन्नत है। तो हम ये कहेंगे, अलबत्ता यहां पे दरूद पढ़ने का कोई सबूत नहीं है, मुअज्जिन जैसा कहेगा हम वैसा ही कहेंगे।